इस भवन से तो आप वाकिफ होंगे, यह भवन सर्वोच्च न्यायालय का है जो दिल्ली में स्थित है। तो स्थान सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली, और ये उसका भवन है, विशाल प्रांगण, विशाल भवन जिसमें बहुत भारी संख्या में कमरे हैं, अलग अलग कोर्ट बैठती हैं, वकीलों के लिए सभी तरह के प्रावधान हैं और सर्व सुविधा संपन्न भवन है। नौवां बिंदु इस संबंध में, संगठन के संबंध में प्रतिबंध को लेकर है। क्या प्रतिबंध? सेवा निवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय अथवा किसी अन्य पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता, यह प्रतिबंध है, और न ही वह किसी अन्य रूप में न्यायालय में कोई कार्य कर सकता है। ऐसा कोई भी कार्य जो न्याय व्यवस्था को प्रभावित करे, जिससे न्याय के निर्णय प्रभावित होते लगे या संभावना दिखे, ऐसे किसी भी कार्यक्षेत्र के दायरे में सेवानिवृत्त न्यायाधीश का आना प्रतिबंधित है। तो इस प्रकार, और ये प्रतिबंध क्यों है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका को पारदर्शी बनाए रखने के लिए, न्याय व्यवस्था को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं जो इसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और वह है न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो आप जानें कि इसका कार्य क्षेत्र जो है वह पूरा भारत है। इसका कार्य क्षेत्र दिल्ली नहीं है, या इसका कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, इसका कार्य क्षेत्र पूरा देश का भौगोलिक क्षेत्र है, और इसलिए इसकी जो शक्तियां हैं वो बड़ी व्यापक हैं, बड़ी विस्तृत हैं। साथ ही चूंकि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका एकीकृत है, संगठित है, इसका कार्य क्षेत्र और बढ़ जाता है, क्योंकि अन्य सभी न्यायालय उसके मातहत आते हैं, उसके अधीन आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देता है, उसके पास जो भी मामले आते हैं, उस मामलों पर उसके द्वारा दिए गए निर्णय देश के सभी क्षेत्रों में, सभी न्यायालयों में मान्य होंगे। उस पर अलग राज्य के अलग न्यायालय, राज्य के जो न्यायालय हैं वो अपना अलग निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना या उसको सुपरसीड नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सबके लिए मान्य होगा और राज्य के सभी न्यायालय इसको मानने के लिए बाध्य हैं। इसकी शक्तियों को हम कुछ इस तरीके से विभाजित करें तो बेहतर समझ होगी। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या मायने हैं? अर्थात कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले केस सुनने का अधिकार प्राप्त है। अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जो नीचे से आते हैं। नीचे से आने के मामले मतलब जिला न्यायालय से या उससे भी नीचे से होते हुए हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अपील होती है। लेकिन कई मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट स्वयं डायरेक्टली सुन सकता है, उन क्षेत्रों पर, उन मुद्दों पर वह डायरेक्टली केस सुन सकता है, और उसे कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बहुत महत्वपूर्ण है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। वे मुकदमे जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं और इससे पहले किसी लोअर न्यायालय में उसके जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे केस कौन से होंगे? ऐसे किस तरह के मामले हो सकते हैं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए, नीचे जाने
कि या तो उसमें पात्रता नहीं है उन केस में, या नीचे जाना, नीचे के किसी कोर्ट में उसको उसको उस केस को डालना बेमानी होगा, बेतुकी होगा। दो तरीके कैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो संघ और राज्य उनसे संबंधित हों, जिसमें एक पार्टी संघ हो और एक पार्टी कोई राज्य हो या एक से ज़्यादा राज्य हो। दूसरा, मौलिक अधिकारों से संबंधित। मौलिक अधिकारों से संबंधित केस भी जो हैं, जिनका संबंध उन छह मूल अधिकारों से है जिसका जिक्र संविधान में किया गया है, ऐसे केस भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये बात क्यों की गई है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मौलिक अधिकारों में एक दिन का विलंब भी या एक दिन का हनन भी गैर कानूनी होता है। मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह की दखल गलत है, और यदि नीचे से वो मामला जाए, पहले लोअर कोर्ट, फिर वहाँ के निर्णय के खिलाफ़ फिर हाई कोर्ट, फिर वहाँ के निर्णय के खिलाफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वर्षों लग जाते हैं। तो क्या जब तक सुप्रीम कोर्ट में निर्णय नहीं आए तब तक वह व्यक्ति, वह संस्था, वह राज्य किसी मौलिक अधिकार से वंचित रहेगा? नहीं। इस स्थिति से बचने के लिए ही मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए मामले सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संघ और राज्यों से संबंधित विवादों की बात करें तो उसमें भारत सरकार तथा एक या एक से ज़्यादा राज्यों के बीच का विवाद है, उसे लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार बनाम एक से ज़्यादा राज्य, GST जो टैक्स चालू हुआ, टैक्स प्रथा, GST टैक्स को लेकर बहुत से राज्यों ने विरोध जताया था, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि GST का प्रावधान करके केंद्र सरकार राज्य सरकारों को और नियंत्रित करना चाह रही है और इस प्रकार संघवाद पर, इस प्रकार संघात्मक प्रणाली पर चोट पहुंचा रही है। तो इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया व्याख्या के लिए। तो ऐसा मामला जिसमें एक ओर संघ हो, केंद्रीय सरकार हो, और दूसरी ओर राज्य हो। दूसरा, ऐसा मामला जिसमें एक पक्ष केंद्र सरकार का या एक या कुछ राज्यों का तथा दूसरा पक्ष कुछ अन्य राज्यों का हो, जिसमें राज्य बनाम राज्य हो। राज्य बनाम राज्य, ऐसे केस क्या हो सकते हैं? भारत के संबंध में दो तीन राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर झगड़ा है, कुछ क्षेत्रों में वन संपत्ति को लेकर भी विवाद है। तो ऐसी स्थिति में मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है। और तीसरे मामले जो होते हैं वे हैं दो या दो से अधिक राज्यों के वैध अधिकार के प्रश्न का विवाद। इस प्रकार इन तीन श्रेणियों में आप देखेंगे कि या तो एक पार्टी केंद्र है और या राज्य है। केंद्र या राज्य की पार्टी होने पर मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकारों की बात। जैसा मैंने बताया, संविधान के अनुच्छेद 32(1) उसमें यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कतई ना हो, उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाई की शक्ति प्रदान की गई है। समुचित कार्रवाई, एप्रोप्रिएट एक्शन का पावर दिया गया। उस पावर के तहत मैंने जिक्र किया था पूर्व में, पूर्व के अध्यायों में भी वो जिक्र है, रिट्स का, जिसे लेख भी कहते हैं। और पांच तरीके के लेख हैं। ये जो लेख हैं, लेख उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार देते हैं कि वह सुनिश्चित करे
कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन राज्य सत्ता द्वारा या किसी अन्य के द्वारा ना किया जा रहा हो। तो एक एक करके हम थोड़ा सा इन अधिकारों को जरा देखें, इन लेखों को। तो पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। आखिर बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित रहना, सशरीर उपस्थित रहना करना। किसके द्वारा? किसको? यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती हो तो नियम है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। और यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। अर्थात न्यायालय इस लेख के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए पुलिस को आदेश देता है, शासन को आदेश देता है। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि पुलिस अपराधियों, अपराध के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, उन्हें जेल में डालती है और नियमानुसार 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में उन्हें पेश नहीं करती और पेश ना होने के कई कारण, कई बहाने बताती है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बंदी है उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, अनाचार होता है आदि आदि। इस स्थिति से बचने के लिए ये प्रावधान किया गया है जिसमें बंदी प्रकरण लेख, प्रत्यक्षीकरण लेख के आधार पर कोर्ट स्वयं पुलिस को आदेश देता है कि इस व्यक्ति को तुरंत हाजिर किया जाए, सशरीर हाजिर किया जाए। गैर कानूनी ढंग से बनाए गए बंदियों को ऐसी स्थिति में रिहाई मिल जाती है। मैंने पूर्व के किसी अध्याय में जिक्र किया था कि इसीलिए आप पाएंगे कि सामान्यतया पुलिस जो है वह लोगों को छुट्टी के एक दिन पहले गिरफ्तार करती है और छुट्टी के दिन न्यायालय नहीं बैठता तो 24 घंटे से ज़्यादा के समय के लिए वह उनके जेल में डाल देती है और उस दौरान वह उनके साथ अमानवीय व्यवहार आदि करती है और फिर अगले दिन कोर्ट बैठने के पूर्व उनको छोड़ भी देती है। इन स्थितियों से बचने के लिए, बचाने के लिए यह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्षीकरण लेख। दूसरा लेख, दूसरा रिट है परमादेश लेख, परम आदेश लेख। यह भी वह रिट है जिसके माध्यम से कोर्ट सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों का, नागरिकों का, संस्थाओं का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन ना हो रहा हो। आखिर इसका अर्थ क्या है? परम आदेश लेख का अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम अर्थात कोर्ट, हम अर्थात कोर्ट। इस लेख के माध्यम से, इट रिट के माध्यम से, हाँ, इस लेख के माध्यम से, इस रिट के माध्यम से कोर्ट किसी पदाधिकारी को अथवा किसी सार्वजनिक संस्थान को यह आदेश जारी कर सकता है कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व का निर्वाहन ठीक प्रकार से करें। उनको इस बात की चेतावनी दे सकता है कि आप अपने पद के अनुरूप कार्य करें और ऐसा ना करने पर कोर्ट कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। कल्पना करिए एक स्थिति की, किसी एक स्कूल में स्कूल के प्राचार्य कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, वंचित है, गलत है और ऐसी स्थिति में कोर्ट को यदि यह जानकारी मिलती है
कि संबंधित प्राचार्य या संबंधित अधिकारी गलत तरीके का व्यवहार कर रहे हैं जो कोर्ट के दायरे में आता है, तो कोर्ट के दायरे में आने पर वह इस संबंध में परमादेश जारी कर सकता है, परमादेश लेख जारी कर सकता है, जिसमें वह आदेश देता है संबंधित अधिकारी को कि अपने दायित्व का उचित तरीके से निर्वहन करिए। ये काफ़ी है उस अधिकारी को जागने के लिए, उस अधिकारी को अपनी दिशा में लाने के लिए, उस अधिकारी को अपेक्षित मार्ग पर काम करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण ये रिट है। तीसरा रिट है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या है? परमादेश लेख में उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से करने का आदेश रहता है, प्रतिषेध लेख में मना करने का आदेश रहता है। मना करना, ये जो लेख है उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख का संबंध एक न्यायालय से उसके नीचे के न्यायालय पर है, उससे है। इसमें क्या होता है? उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य करने से रोकता है, अर्थात जब वह महसूस करता है कि संबंधित न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से, अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है, कुछ ऐसे मामलों में निर्णय दे रहा है, कुछ ऐसे मामले अपने सामने रख रहा है, ला रहा है, स्वीकार कर रहा है जो उसके दायरे में नहीं आते, जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी चीज़ को ना करने के लिए आदेश देता, मना करता है, जिसे कहते हैं प्रतिषेध लेख। बहुत बार ऐसे मौके आए हैं जब उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि नीचे का कोर्ट अपनी सीमाओं को लांघ रहा है, तो उसको अपनी सीमाओं के अंदर रखने के लिए इस रिट का, इस लेख का प्रयोग उच्चतम न्यायालय को करना पड़ता है, जो उसने कई बार किया है। चौथा, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के मायने क्या हैं? उत्प्रेषण का अर्थ है शाब्दिक अर्थ पूर्ण तथा सूचित कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे का पूरा विवरण, पूरा रिकॉर्ड, पूरा डिटेल्स अपने पास मंगवा सकता है, अर्थात प्रतिषेध लेख भी, प्रतिषेध लेख जिसका संबंध दो न्यायालयों के बीच में है, उसी प्रकार उत्प्रेषण लेख का संबंध भी न्यायालयों के बीच का ही मामला है, जिसमें उच्चतम न्यायालय नीचे के न्यायालय से किसी मामले से संबंधित कागजात, डिटेल्स, पूरा विवरण, रिकॉर्ड मंगवा सकता है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? जब उच्चतम न्यायालय को शंका हो कि किसी नीचे के न्यायालय ने उचित तरीके से इस पर निर्णय नहीं दिया है, सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं दिया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय अनुभव करता है कि निम्न न्यायालय अपने कार्यक्षेत्र का उल्लंघन किया है या कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, तो वह खुद उस मुकदमे को स्वयं सुन सकता है और आदेश दे सकता है कोर्ट को कि यह मामला हमारे पास भेज दिया जाए, या ये भी कर सकता है कि उसे कुछ और निर्देश दे जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय को वह मामला लौटा देगा, लेकिन कुछ निर्देशों के साथ।
कुछ आदेशों के साथ। सो उत्प्रेषण का अर्थ हुआ पूर्ण तथा सूचित करिए, पूरी जानकारी दीजिए और सूचित करिए। और ये रिकॉर्ड से इसका संबंध है, नीचे के न्यायालयों से इसका संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय के मातहत आने वाले न्यायालयों से इसका संबंध है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट स्वयं किसी मामले को मांग कर सुन सकता है और या संबंधित कोर्ट को आदेश दे सकता है कि इस मामले को सुनते हुए इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। ये कहलाता है उत्प्रेषण। और पांचवा और अंतिम रिट, जो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है, वह है अधिकार प्रेक्षालेख, जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से। इसमें पूछता है वो किस अधिकार से, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से या अनुचित तरीके से किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद पर काम करने लगता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उससे पूछ सकता है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। अर्थात ऐसा पूछते हुए एक तरीके से वो आदेश जारी करके उस व्यक्ति को पद ग्रहण करने से या पद पर आगे कार्य करने से रोक सकता है। तो अधिकार प्रेक्षा लेख, किस अधिकार से, ऑन व्हाट बेसिस आर यू ऑक्यूपाइंग दिस पोस्ट, किस आधार पे तुम ये पद पे काम कर रहे हो। ये तब होता है जब गैर कानूनी तरीके से किसी का निर्वाचन हुआ हो, गैर कानूनी तरीके से किसी को पद मिला हो, चाहे वो सरकारी मामले में हो चाहे अर्ध सरकारी मामले में हो, तब सर्वोच्च न्यायालय दखल देता है। उच्च न्यायालय भी इस मामले में दखल दे सकता है और आदेश जारी करके संबंधित व्यक्ति को आगे कार्य करने से रोक सकता है। इस प्रकार ये पांच तरीके के हम देखते हैं उसके जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए कुछ पावर्स। पूर्व में मैंने एकीकृत और संगठित न्यायपालिका की जो बात की, उसे हम ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। उसका फ्लो चार्ट यदि हम देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एकीकृत के मायने क्या हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की जो सीमा है, दोनों तरफ आप देखेंगे, उसकी सीमा में नीचे तक के न्यायालय आते हैं, तो उसकी सीमा के अंतर्गत, अर्थात अन्य सभी न्यायालय उसके कार्यक्षेत्र के अंदर आते हैं, उसके अधीनस्थ आते हैं। इस अधीनता को इस लाइन से दिखाया गया है। इसके बाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो हैं वे हर राज्य में हैं और इस प्रकार 25 उच्च न्यायालय हमारे देश में हैं, वैसे राज्यों की संख्या 29-30 है, लेकिन जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, उसी प्रकार कुछ अन्य क्षेत्रों का भी है जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अभी ये देख लें कि उच्च न्यायालय जो है उसका कार्यक्षेत्र क्या है। पहला, निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील को सुनना। निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील को सुनना, अर्थात अपीलात कोर्ट की तरह वो काम करता है, जहां वो अपील को सुनता है, नीचे से आए हुए अपील को। दूसरा, मौलिक अधिकारों के बहाली के लिए रिट जायर कर सकता है। जो पांच रिट का मैंने जिक्र किया, उनमें से कोई से भी रिट को जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को हो। तीसरा, राज्य के क्षेत्र में आने वाले जो मुकदमे हैं, राज्य के क्षेत्र में आने वाले मुकदमे, किस राज्य के क्षेत्र में, जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय स्थित है, केवल उसी राज्य के क्षेत्र का। भौगोलिक सीमा,
उसकी वही है, उसके अंदर के आने वाले क्षेत्रों का मामलों का निपटारा, और चौथा और अंतिम अपने अधीनस्थ जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिसमें जिला अदालत है, जिसमें अधीनस्थ अन्य न्यायालय हैं, उन पर पर्यवेक्षण, उन पर नियंत्रण करना और उनको सुपरवाइज करना, पर्यवेक्षण करना। तो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत अन्य सारे न्यायालय, श्रृंखला में नीचे उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों के चार कार्य क्षेत्र हैं मूलतः, और ये चारों कार्यों का वहन संपादन वह उच्चतम न्यायालय के मातहत ही करता है, जो इस बात से स्पष्ट है। आप उच्च न्यायालय के दोनों ओर जो लाइन दी हुई है उसे देखेंगे, उसका दायरा भी अंतिम न्यायालय तक है। इसके बाद आता है जिला अदालत। उच्च न्यायालय अपने मातहत के न्यायालयों पर नियंत्रण करता है। मातहत अर्थात कौन से? जिला अदालत। जिला अदालत में जिले के दायरे में आने वाले मामलों की सुनवाई होती है। जिला अदालत में उसके नीचे से आए हुए न्यायालयों की सुनवाई करता है, फैसलों की सुनवाई करता है। उसके नीचे जो अपील में गई हैं जिला अदालत में, तो वो भी अपीलात कोर्ट की तरह काम करता है, अर्थात नीचे से आए हुए अपीलों को सुनने का अधिकार है उसको, और उस पर सुनवाई करता है, न्याय देता है। और अंतिम है गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देना। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देने का कार्य, ये जो अब देखेंगे आप, ये जो जिला अदालत का कार्य क्षेत्र है, इसका संबंध उच्च न्यायालय से किस तरह है, और जिला अदालत के मातहत जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये अधीनस्थ न्यायालयों के दो कार्य हैं। नंबर वन, पहला फौजदारी और दीवानी मामलों के मुकदमे पर विचार करना, फौजदारी और दीवानी मामलों के मुकदमों पर विचार करना।